आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये घटना आज से तकरीबन 22 साल पुरानी है। तब मेरे बड़े पापा ट्रक चलाने का काम किया करते थे। उनके साथ उनका एक खलासी देवा भी हमेशा हर सफर में उनका साथ देता था। एक बार की बात है, तब सर्दियों का मौसम चल रहा था। उन दोनों को ट्रक लेकर दूर किसी गांव में शादी का सामान पहुंचाने जाना था। फिर क्या था, बड़े पापा ने ट्रक स्टार्ट किया और दोनों निकल पड़े उस गांव की ओर। बड़े पापा ने जब ट्रक को चालू किया था तो शाम के 5 बज रहे थे, और चूंकि वो गांव काफी दूर था तो जाहिर सी बात है वहां पहुंचने में फिलहाल उन दोनों को वक्त लगने वाला था। अगर बड़े पापा चाहते तो दिन में भी जा सकते थे, मगर दिन के मुकाबले रात में रास्ता ज्यादा खाली रहता है, इसलिए बड़े पापा ने रात में निकलने का फैसला किया। और वो अक्सर दूर दराज का सफर रात में करते थे। ट्रक चलाते चलाते अब बड़े पापा को काफी वक्त हो चुका था, मगर रास्ता था जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और चूंकि वो दोनों इससे पहले कभी भी उस गांव में नहीं गए थे, इसलिए उन्हें ठीक ठाक रास्ते का भी पता नहीं था। तभी देवा ने बड़े पापा से कहा, तुझे रास्ता तो ठीक से पता है ना? इस पर बड़े पापा ने कहा, देख सच बताऊं तो रास्ता मुझे भी उतना सटीक तो नहीं पता है। चल कहीं कोई आदमी दिखेगा तो वहां किसी से पूछ लेंगे। और इतना कहकर बड़े पापा ने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। ठंड की वजह से रात के 8 बजे ही आधी रात की तरह लग रहा था। जितना सुनसान वो रास्ता था, उतना ही सुनसान अंधेरे में डूबा हुआ उस रास्ते के बगल में वो जंगल था। अभी वो दोनों ट्रक लेकर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी बड़े पापा को सामने की तरफ एक 3 रास्तों वाला मोड़ नजर आने लगा। उस मोड़ को देखकर बड़े पापा बड़ी परेशानी में पड़ गए कि अब किस तरफ जाना है। मगर अच्छी बात तो ये थी कि उस मोड़ के एक किनारे पर एक छोटी सी चाय की टपरी नजर आ रही थी। तभी बड़े पापा ने देवा से कहा, चल यहां रुककर थोड़ा चाय वाय पीते हैं। इतना कहकर बड़े पापा ने ट्रक को उस चाय की टपरी पर रोका और ट्रक से नीचे उतरकर टपरी के अंदर दाखिल हुए। टपरी के भीतर चाय वाले के अलावा 3-4 लोग और भी थे, लिहाजा बड़े पापा और देवा उन्हीं लोगों के पास जाकर बैठ गए और भट्टी में आग तापने लगे। ठंड बहुत ज्यादा हो रही थी। भट्टी की आग से बड़े पापा को वो सुकून मिल रहा था जो आज तक उन्हें कभी नहीं मिला था। कुछ देर के बाद बड़े पापा ने वहां मौजूद लोगों से पूछा, भाई साहब ये पूतनागढ़ गांव जाने का रास्ता किधर से पड़ेगा और यहां से किस तरफ जाना होगा? पूतनागढ़ गांव का नाम सुनकर पता नहीं वहां मौजूद सभी लोगों का चेहरा एकदम से सूख गया और उन्होंने कहा, इस वक्त पूतनागढ़ गांव जाइएगा, दिमाग ठीक तो है आपका? इस पर बड़े पापा ने कहा, क्यों क्या दिक्कत है इस वक्त जाने में? तो वहां मौजूद लोगों ने कहा, उस गांव तक जाने वाला रास्ता वो ठीक नहीं है, उस रास्ते पर जिन भटकते रहते हैं। उस आदमी की बात सुनकर बड़े पापा ने एक नजर देवा की तरफ देखा तो उसका पूरा चेहरा जैसे उतर सा गया था और वो इशारों ही इशारों में बड़े पापा को आगे जाने के लिए मना कर रहा था। जिस पर बड़े पापा ने देवा से कहा, तू जा ट्रक में बैठ, मैं आता हूं पैसे देकर। बड़े पापा की बात सुनकर देवा ट्रक की तरफ चला आया। कुछ देर के बाद बड़े पापा पैसे चुकाकर वापस ट्रक में आए और बोले, उन लोगों की बातों पर विश्वास मत कर, वो लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, और वैसे भी हम लोग ट्रक में रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, मैंने पूरा रास्ता पूछ लिया है, चल। जिसके बाद बड़े पापा ने अपना ट्रक चालू किया
और उसी मोड़ से एक रास्ते को पकड़कर पूतनागढ़ गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। वो रास्ता जिस पर फिलहाल वो दोनों आगे बढ़ रहे थे, उस पर ना तो कहीं लाइट का इंतजाम था और ना ही कोई इंसान नजर में आ रहा था। पता नहीं क्यों, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो रास्ता इस दुनिया में ही ना हो। हालांकि इससे पहले भी वो दोनों सैकड़ों बार सुनसान रास्तों से गुजर चुके थे, मगर पता नहीं क्यों वो रास्ता कुछ अजीब सा था। तभी देवा ने बड़े पापा से कहा, भाई अगर हम लोग आज पूतनागढ़ गांव नहीं जाते तो कौन सा पहाड़ टूट जाता, अगर रास्ते में कुछ दिक्कत हो गई तो? इस पर बड़े पापा ने कहा, अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ, बस तू गाड़ी से नीचे मत उतरना। बड़े पापा की ये बात देवा को कुछ खास समझ में नहीं आई। खैर फिर दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। बड़े पापा तेजी से ट्रक चलाकर जितना जल्दी हो सके उस रास्ते से निकलने की कोशिश में थे, मगर तभी उन्हें रोड के बीचों बीच एक आदमी खड़ा नजर आया, जिससे कुछ ही दूरी पर एक कार जमीन पर पलटी हुई थी। वो आदमी हाथ दिखाकर ट्रक रोकने का इशारा कर रहा था, जैसे उसे कोई मदद चाहिए हो। तभी देवा ने बड़े पापा से कहा, ट्रक मत रोकना, ये जिन है, हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है ये। इस पर बड़े पापा ने कहा, नहीं, हो सकता है ऐसे सच में कोई मदद चाहिए हो। ये सोचकर बड़े पापा ने ट्रक को ठीक उस आदमी के बगल में रोका। वो आदमी चलकर ट्रक के किनारे कुछ ही दूरी पर आकर खड़ा हो गया और बोला, भाई साहब मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है, कार में मेरा एक दोस्त भी फंसा है, प्लीज प्लीज आप मेरी मदद करिए उसे निकालने में। उस आदमी की बात सुनकर बड़े पापा ने एक नजर देवा की तरफ देखा और उसे इशारों ही इशारों में ट्रक से नहीं उतरने के लिए कहा, और देवा को समझाकर खुद एक टॉर्च लेकर ट्रक से नीचे उतर गए। टॉर्च जलाते हुए बड़े पापा ने उस आदमी को आगे चलने के लिए कहा और खुद उसके पीछे पीछे चलने लगे। चलते चलते अभी बड़े पापा आगे जा ही रहे थे कि तभी पता नहीं अचानक से बड़े पापा को क्या हुआ, जो उन्होंने अपनी जेब से एक बड़ी सी लोहे की कील निकाली और उनके आगे चल रहे उस आदमी के सिर पर घोंप दिया। बड़े पापा को ऐसे करते ही उस आदमी ने एक नजर उनकी ओर मुड़कर देखा और कुछ बड़बड़ाते हुए हवा में धुआं हो गया और उसके गायब होते ही जमीन पर पड़ी वो कार भी पता नहीं कहां गायब हो गई। फिर बड़े पापा ट्रक में आए और ट्रक लेकर आगे बढ़ने लगे। तभी ये सब देखकर डर से कांप रहे देवा ने कहा, ये सब क्या था, वो कहां गायब हो गया और तेरे पास स्किल कहां से आई? इस पर बड़े पापा ने कहा, रोक रोक सब बताता हूं धीरे धीरे। तुझे याद है हम लोग जब उस चाय की टपरी पर रुके थे, तब मैंने तुझे ट्रक में भेजा था, तभी मैंने उन लोगों से पूछ लिया था जिनके बारे में, उन्होंने ही बताया था कि जिन लोहे के सामानों के पास नहीं आता, और वहीं से मैंने दो चार लोहे की कीलें उठा ली थी, अपने पास रख लिया था। उन लोगों ने यह भी बताया था कि जिनको पहचानने का एक ही तरीका है, उसके पैर नहीं होते। बड़े पापा की पूरी बात सुनकर देवा ने कहा, पर जब तुझे पता था कि वो जिन है तो तूने ट्रक रोका ही क्यों? इस पर बड़े पापा ने कहा, क्योंकि ट्रक रोकते वक्त मुझे पता नहीं था कि वो जिन है या नहीं, मुझे तो तब पता चला जब मैं टॉर्च जलाकर उसके पीछे चल रहा था, क्योंकि उसके पैर ही नहीं थे, अगर कोई आदमी होता तो हमारी बेवकूफी के चलते उसकी जान चली जाती, इसलिए मैंने ट्रक रोका। बड़े पापा की सारी बात सुनकर देवा ने कहा, भाई सच कहूं तो ये काम तू ही कर सकता है, हमारे बस की तो बात है ही नहीं ये सब करना। जिसके कुछ देर के बाद वो दोनों ट्रक लेकर पूतनागढ़ गांव पहुंच गए, पर कहते हैं कि आज भी उस रास्ते पर रात के वक्त कोई नहीं जाता। लोगों का मानना है कि वो रास्ता अभी भी जिन के गिरफ्त में है।
खैर इस घटना के बाद बड़े पापा भी कभी उस रास्ते पर नहीं गए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। घटना उस समय की है जब मैं अपने गांव में डाकिये का काम किया करता था। आज के जमाने में मोबाइल फोन का जितना महत्व है उतना ही महत्व उस समय डाकिये का हुआ करता था, क्योंकि उस समय ना तो हमारे गांव में फोन हुआ करता था और ना ही बिजली। उस वक्त लोग डाकिये को काफी इज्जत दिया करते थे, साथ ही साथ डाकिये का भी उस समय काफी काम हुआ करता था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि उस समय हमारे गांव के डाक ऑफिस में दो डाकिया हुआ करते थे, एक मैं और एक भरत। मगर भरत की कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, जिस कारण डाक ऑफिस का पूरा भार मेरे सर पर आ गया था। डाक ऑफिस में काफी सारी चिट्ठियां जमा होने लगी, जिस वजह से मैं काफी देर तक घर जा जाकर चिट्ठी पहुंचाने लगा। हालांकि उस समय गांव के लोग जल्दी सो जाया करते थे, मगर दो लोगों का काम अकेले खत्म करने के बाद ही मैं डाक ऑफिस बंद करता था। उस समय मुझे डरवर नहीं लगता था, मगर मुझे कहां पता था कि इस घटना के बाद मैं इतना डर जाऊंगा कि मुझे इस डाकिये का काम ही छोड़ना पड़ेगा। खैर एक दिन सुबह से ही काफी मेहनत करने के बाद मैंने काफी सारी चिट्ठियां घरों में पहुंचा दी और बाकी बचे चिट्ठियों को देखा तो उनका पता दूसरे गांव का था, मगर उन्हें आज के आज ही पहुंचाना जरूरी था। जिसके बाद मैंने घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था दोपहर के 3:30 बजे का। लिहाजा मैं सारे चिट्ठियों को लेकर दूसरे गांव की तरफ चलता बना। हमारे गांव से सामपुर गांव पैदल चलकर जाने में करीब 1 घंटे का वक्त लगता था, तो अभी मुझे काफी पैदल चलना पड़ेगा। कुछ दूर चलने के बाद मैंने अपने मन ही मन में कहा, क्यों ना रामू की दुकान पर चाय पीकर आगे चला जाए। इतना बोलते ही मैं रामू की दुकान पर चाय पीने चला गया। अभी मैं चाय पी ही रहा था कि तभी रामू ने कहा, क्या डाकिया साहब आज किधर जा रहे हैं। इस पर मैंने कहा, वो मैं आज सामपुर गांव जा रहा हूं। तो सामपुर गांव का नाम सुनते ही रामू एकदम से चुप हो गया और फिर अचानक अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, डाकिया साहब वापस लौटते लौटते तो काफी रात हो जाएगी, तो जरा संभल कर आइएगा क्योंकि सामपुर गांव का रास्ता ठीक नहीं है। जिस पर मैंने रामू से कहा, ये क्या बोल रहा है तू, तुझे पता है ना मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। इतना बोलने के बाद मैंने जल्दी से अपना चाय पिया और प्याला फेंकते हुए सामपुर गांव की तरफ चलता बना। खैर करीब 1 घंटा पैदल चलने के बाद तकरीबन 5:00 बजे मैं सामपुर गांव पहुंचा और फटाफट से चिट्ठियों को उनके पते पर पहुंचाने लगा। सारी चिट्ठी पहुंचाते पहुंचाते कब 3 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। फिर जब मैंने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था 8:00 बजे का। उस समय 8:00 बजना यानी काफी रात, जिस कारण सारा रास्ता वीरान सा हो गया था। खैर मैं वहां और समय जाया ना करके अपने गांव की तरफ आगे बढ़ने लगा। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, वो भी इतना घना अंधेरा कि मुझे अपना शरीर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अमूमन मैं रात को हर वक्त अपने साथ एक टॉर्च रखता हूँ, लेकिन आज मैं अपना टॉर्च डाक ऑफिस में छोड़कर आया था, जिस कारण मैं चांद की धुंधली रोशनी के सहारे ही आगे बढ़े जा रहा था। उस रास्ते पर सन्नाटा इतना छाया हुआ था कि दूर कहीं से ट्रेन की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी, साथ ही साथ बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाजें उस माहौल को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। एक तो काफी रात, ऊपर से इतना सुनसान रास्ते को देखकर मैंने अपने मन ही मन में कहा, अगर कोई सवारी मिल जाए तो
तो मैं उसी के सारे गांव चला जाऊंगा, वैसे भी काफी थक चुका हूं। इतना बोलकर मैं अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नजर रास्ते के आगे किनारे पर खड़े एक आदमी पर गई जो कि एक रिक्शे के पास खड़ा था। उस आदमी को देखते ही मैं समझ गया कि ये एक रिक्शा वाला है। साथ ही साथ उस रिक्शे वाले को देखकर मुझे काफी खुशी महसूस हुई कि अब मुझे पैदल चलना नहीं पड़ेगा। मगर तभी मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दी कि ये रिक्शा वाला इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहा है? इतनी रात गए तो इसे कोई सवारी भी नहीं मिलती होगी। खैर मुझे उससे क्या, मुझे तो घर जाने से मतलब था, तो मैं चलकर उस रिक्शे वाले के पास गया। तो मुझे अपने पास आता देख उस रिक्शे वाले ने कहा, कहाँ जाना है बाबू साहब, आइए मैं छोड़ देता हूँ। इस पर मैंने जवाब दिया, वो मुझे कालपुर गांव जाना है। जिस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, हाँ हाँ बैठिए मैं ले चलता हूँ। जिसके बाद मैं उस रिक्शा वाले की रिक्शा में चढ़कर बैठ गया और मेरे बैठते ही रिक्शा वाले ने रिक्शा को आगे बढ़ा लिया और हम अपने गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ते के दोनों तरफ घने जंगल होने के कारण जंगलों से तरह तरह की जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। मैं भूत प्रेत से तो नहीं डरता था मगर जंगली जानवरों से डरता था। खैर अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उस रिक्शा वाले ने कहा, बाबू साहब आप शामपुर गांव चिट्ठी बांटने गए थे तो आपने मदन लाल को चिट्ठी क्यों नहीं दिया? जिस पर मैंने जवाब दिया, हाँ मदन लाल के नाम से तो एक चिट्ठी आई है मगर मैं जब उसके घर देने गया तो उसके घर पर कोई भी नहीं था। फिर जब मैंने आसपास से पूछा तो लोगों ने बताया कि मदन लाल की मौत कुछ दिन पहले ही हो गई है और वह अपने घर पर अकेला रहता था, जिस कारण ना तो कोई चिट्ठी लेने वाला था और ना ही मैंने दिया। लेकिन आपको कैसे पता चला? इस पर वो रिक्शा वाला कोई जवाब ना देकर हंसने लगा। तो मैंने उससे दोबारा कुछ नहीं पूछा। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी ना जाने क्यों मुझे काफी तेज नींद आने लगी, वो भी इतनी कि मैं अपने पलकों को खोलकर रख तलक नहीं पा रहा था। अचानक नींद मुझ पर इस कदर हावी हो गया कि मैं रिक्शे पर बैठे बैठे ही सो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो आगे का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा सर घूमने लगा, क्योंकि रिक्शा बहुत तेजी से चल रही थी और रिक्शा चलाने वाला कोई नहीं था, मतलब कि रिक्शा अपने आप ही चल रही थी। मगर ये कैसे हो सकता है? और तो और वो रिक्शा वाला गया तो गया कहाँ? अभी मैं ये सोचकर काफी हैरान हो ही रहा था कि तभी मुझे आवाज आई, बाबू साहब मैं वही मदन लाल हूँ। उस आवाज को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया और मैंने जब अपनी निगाहें उस आवाज की ओर घुमाई तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि वो रिक्शा वाला हवा में उड़ते हुए मेरे साथ चल रहा था। मगर अब उसका पूरा चेहरा कुचला हुआ नजर आ रहा था और उसकी आंखें बाहर लटक रही थीं। अभी मैं उसे देखकर कांप ही रहा था कि तभी अचानक काफी रफ्तार से चल रही रिक्शा एकदम से रुक गई और मेरे सामने वो रिक्शा वाला यानी कि मदन लाल की आत्मा आकर खड़ी हो गई। डर इस तरह से मेरे ऊपर हावी हो चुका था कि मेरे हाथ पैर फूलने लगे थे कि तभी मदन लाल की आत्मा ने कहा, आज से 6 दिन पहले मैं रात के वक्त इसी रास्ते पर रिक्शा चला रहा था, तभी अचानक एक पेड़ मेरे ऊपर आ गिरा जिस कारण मौका वारदात पर ही मेरी मौत हो गई। मगर ये खबर मेरे घर वाले नहीं जानते क्योंकि मेरे घर वाले यहाँ से काफ़ी दूर दूसरे गांव में रहते हैं, और आप मेरे घर वालों के पास जाकर मेरी मौत की खबर बता देना, क्योंकि जब तक मेरा अंतिम संस्कार नहीं होगा तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और मेरी आत्मा यहीं पर भटकती रहेगी। इतना बोलकर मदन लाल की आत्मा हवा में धुआं हो गई और मैं सीधे अपने घर चला आया और दूसरे दिन मदन लाल के घर वालों के पास जाकर पूरी बात बता दी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।